नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं और आपको बैंक से नया डेबिट कार्ड रिसीव हुआ है और आप अपने कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं लेकिन आपके कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल्ड हो रहा है, तो जानकारी के लिए आपको बता दें, बैंक से जो डेबिट कार्ड आपको मिला है उस पर सिर्फ ATM और पोस्ट सर्विस ही एक्टिवेट है। अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज़ ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको अपने डेबिट कार्ड पर ई कॉमर्स सर्विस एक्टिवेट करनी होगी। ई कॉमर्स सर्विस एक्टिवेट करने के कई ऑप्शन हैं, जैसे आप SBI नेट बैंकिंग और योनो ऐप से भी ई कॉमर्स सर्विस एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप एक नेट बैंकिंग या योनो ऐप यूज़र हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बैंक SMS से भी ई कॉम सर्विस एक्टिवेट करने की सुविधा देता था, लेकिन अब बैंक ने SMS सर्विस को बंद कर दिया है। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो आप ATM मशीन से भी डेबिट कार्ड पर ई कॉमर्स सर्विस एक्टिवेट कर सकते हैं। ATM मशीन से ई कॉमर्स सर्विस एक्टिवेट करने के लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से ज़रूर लिंक होना चाहिए। ई कॉमर्स सर्विस एक्टिवेट करने के लिए आपको ATM मशीन में डेबिट कार्ड इंसर्ट करना है। डेबिट कार्ड इंसर्ट करने के बाद आपको कुछ सेकेंड वेट करना है। ATM मशीन की स्क्रीन पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, आपको लेफ्ट साइड के बैंकिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इस स्क्रीन पर आपको लेफ्ट साइड में थर्ड ऑप्शन सर्विसेज को सेलेक्ट करना है। इस स्क्रीन पर आपको फर्स्ट ऑप्शन अपडेट चैनल यूजेज लिमिट को सेलेक्ट करना है। इस स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, आपको सेकंड ऑप्शन यूजेज चैनल अपडेट को सेलेक्ट करना है। इस स्क्रीन पर आपको सर्विसेज दिखाई देंगी, आपको जो भी सर्विस एक्टिवेट करनी है उसे सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पर ई कॉमर्स सर्विस को सेलेक्ट करूँगा। अब स्क्रीन पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन इनेबल को सेलेक्ट करें। अब कोई भी 2-डिजिट नंबर एंटर करके यस को सेलेक्ट करें। इस स्क्रीन पर आपको ATM पिन एंटर करना है। ATM पिन एंटर करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP ATM मशीन में एंटर करें। OTP एंटर करते ही आपके कार्ड पर ई कॉमर्स सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। मेरे कार्ड पर ई कॉमर्स सर्विस एक्टिवेट हो गई है, आप स्क्रीन पर SMS भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें।